नगर में बैनर लगवा दिया जाता है और आपने बैनर लगाने का काम नगर में प्रचार प्रसार का काम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लाइन्स क्लब स्टार्स सागर को जिन्होंने माइक से रिक्शे से पटकी व्यवस्था की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रविकांत जी को हमेशा समाज की सेवा में राष्ट्र की सेवा में दिन रात तैयार और धन देने का काम किए हैं। यही से 25 दिन 15 दिन 11 दिन लोग की कक्षा लगी इसी के कारण इसी चर्चा के कारण परम पूज्य अपने स्वामी रामदेव जी का आगमन भी सागर जी के इस पावन धरती पर हुआ और उन्होंने वादा किया निवेदन करेंगे कि आपके लिए चना गुड़ और क्या क्या है जो जो भी है आपको लेते जाइए बहुत बहुत और फिर साग मनाना है फिर साग मनाना है एक आदर स्थापित करना है जैसा कि हमारे जनरल साहब हमारे जनरल कायदा कहती है कि जनरल साहब से पीछे हो गए स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में जो भी हो सके काम करेंगे। इसी दिन से आने वाला जो समय होगा यह नगर एक मानक स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो यहाँ पर आए हैं इस पाठ बनाए हैं इसका नाम नहीं ले पाया ऐसे हनुमान जी देवेश जी अधेन्द्र जी गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी का फल इनके कार्यक्रम का अपने आज जो 2019 सागर की 200 वाटिका में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन किया गया जिसमें नगर के नौजवान माताएं बहने भाइयों और सागर के नागरिकों ने भाग लिया और मुझे विश्वास है कि योग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर एक भारतीय विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। आज ये कई जून को लगभग दुनिया के 200 देशों ने एक साथ योग किया है। इस अवसर पर मैं सागर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप करें योग पहले। आज के प्रधानमंत्री एवं रामदेव जी महाराज जी का बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरे विश्व को योगमय बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको आज पूरे विश्व में मनाने का निर्णय लिया योग दिवस के रूप में
भारत के लिए गौरवशाली है। भारत की ये विद्या जो प्राचीन काल से सदियों से इसको ऋषि मुनियों ने खोज करके दुनिया के लिए दिया था और आज विलुप्त हो जा रही थी, योग ऋषि स्वामी रामदेव एवं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रयास से आज यह दुनिया के कम 200 देशों में योग का शिविर लगाया गया और पूरे दुनिया का अगर मैं कहूंगा कि ये मानवता के लिए एक स्वस्थ जीवन के लिए सफल जीवन के लिए योग की विधा आवश्यक है। सागंज ऐतिहासिक नगर इसमें अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दे रहा है। सागंज के योग साधकों ने जनपद के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सागंज जैसे तहसील पर स्वामी रामदेव का कार्यक्रम 19 मई 2018 को करा करके और एक प्रशंसा प्राप्त किया है। दुनिया में आस्था चैनल के द्वारा कम से 200 देशों में इसका प्रकाशन हुआ था। आज हम लोगों का लक्ष्य है कि सागंज विधानसभा के कम से कम 200 गांवों में प्रभारी नियुक्त कर ग्रामीण क्षेत्र में योग की विद्या को चलाया जाए और जो गांव-गांव तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है, तभी स्वामी जी का और प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। धन्यवाद। जय हिंद। अरे योग रहे नियोग।